नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आपके साथ मैं हूं श्वेता। जब जब बिहार में सिल्क की बात होती है, तब तब जुबान पर पहला नाम भागलपुर का आता है। भागलपुर वो शहर है जो भारत में सिल्क सिटी के नाम से विख्यात है। सिल्क के इस शहर को अब बिहार के एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सिल्क सिटी को स्मार्ट बनाने का बेड़ा भारत सरकार ने उठाया है। सरकार भागलपुर को संवारने के लिए स्मार्ट सड़क से लेकर डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन सड़क और इंटरनेट की 4G गति को सुधारने की बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। दूसरे शहरों से आए व्यक्तियों के लिए हमारा भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन क्या वो लोग सड़क की जर्जर स्थिति और ट्रैफिक की अव्यवस्था को देखकर कह पाएंगे कि बिहार का पहला शहर भागलपुर है जिसका चयन बिहार के पहले स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ है। लोगों का कहना है, भागलपुर की जो स्थिति स्मार्ट सिटी से पहले थी, अभी भी वही हालात है। आज भी तिलकामांझी से 0 माइल जाने वाले मार्ग के दोनों साइड से बदबू आती है। पहले भी सड़क पर कचरा पड़ा हुआ रहता था और अब भी वही स्थिति है। अनेक शहरों में घर घर जाकर नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाती है और कॉलोनियों में घूम घूम कर वो गाड़ी संदेश भी पहुंचाती है। सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डब्बे में डालने की सीख देती है, लेकिन भागलपुर के नगर निगम के अधिकारी शायद आंख बंद करके मार्ग पर चलते हैं, जो उन्हें कचरा दिखाई ही नहीं देता। बात जब स्वच्छता की आती है, तब हम गंगा की स्वच्छता को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाराणसी में दिए अपने भाषण में गंगा के महत्व और स्वच्छता का उल्लेख करते हुए कहा था कि काशी में ना मुझे किसी ने बुलाया है और ना मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने पुकारा है। इससे गंगा की पवित्रता झलकती है, वहीं पीएम का स्वच्छता के प्रति जुड़ाव और संकल्प भी दिखाई देता है। लेकिन अब तक के कार्यकाल में गंगा की स्वच्छता के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उस पर पूरी तरह अमल होता नहीं दिख रहा है। सिल्क सिटी भागलपुर भी गंगा किनारे स्थित है, जहां स्वच्छता के लिए पर्याप्त इंतजाम का काफी अभाव देखा जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या हमारी माँ गंगा पवित्र है, जिसका जवाब भी शायद किसी के पास ना मिले। अब बात करते हैं भागलपुर हवाई अड्डे के बारे में, जहां से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उड़ान भरते हैं। इस बार भी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी के हवाई अड्डे पर कई नेताओं का उड़न खटोला उतरा और भाषण देने के बाद उड़न खटोला में ही बैठकर नेताजी उड़ गए। पिछले 1.5 दशक से हवाई सेवा प्रारंभ करने की कवायद चल रही है और इस अवधि में यहां के कई नेताओं ने उड़ान भरी, लेकिन नियमित हवाई जहाज इस एयरपोर्ट से आज तक नहीं उड़ सका। इधर सिल्क सिटी से हवाई सेवा शुरू कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक बार फिर आगामी मार्च महीने जहाज उड़ाने का दावा किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी भाषण में NDA की सरकार को कामयाब बताते हुए कहा कि अब भागलपुर भी हवाई सेवा से अछूता नहीं रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिल्क के शहर को सारी स्मार्ट सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार और अधिकारियों की शिथिलता से तमाम योजना और अभियान महज फाइलों की शोभा बनकर रह गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।